हेलो एवरीवन, लिमिटेशन एक्ट 1963 के स्केड्यूल को अगर याद करने में प्रॉब्लम आती है तो स्केड्यूल के रिगार्डिंग एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 के स्केड्यूल को तीन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ फर्स्ट डिवीजन हमारे पास सूट से रिलेटेड है। तो सूट से रिलेटेड कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, तो उसको आप ऐसे याद रखिए, मोको अकाउंट दे दे 113 और सामने वाला अकाउंट नंबर बताता है 137। मो को मूवेबल को कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद दे दे, तो फिर उसके बाद डी का मतलब हुआ डिक्लेरेशन और डी का मतलब हुआ डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट। तो मो को अकाउंट दे दे 113 जो कि हमारा फर्स्ट डिवीजन का पार्ट 10th है, लास्ट पार्ट है, और जो कि कहता है कि अगर कहीं पर भी सूट का टाइम पीरियड, किसी सूट का टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 3 साल। इसी तरीके से थर्ड डिवीजन जो कि एप्लीकेशन के बारे में है, वो ये कहता है, लास्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है थर्ड डिवीजन का, लास्ट आर्टिकल है 137, जो ये कहता है एप्लीकेशन जिनका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं तो उनका 3 साल है, मतलब जिसका कोई नहीं उसका 3 साल है। तो ये आप याद रखिएगा, मुको अकाउंट दे दे 113 और सामने वाले का आंसर क्या है 137। इसके अलावा फोरक्लोजर और रिडेम्पशन के सूट के लिए अगर हम बात करें तो 30 साल है, और अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन की बात करें तो उसके लिए 12 साल है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया स्केड्यूल से रिलेटेड बातें। आई होप ये आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प कर जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।